जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक डिस्टर्बिंग रिवेंज फिल्म सानी काए धाम के बारे में। दोस्तों ये एक साउथ इंडियन फिल्म है जो कि बहुत ही बढ़िया है और इसकी कहानी सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें संगया नाम का आदमी दिखाया जाता है और उसके बैकग्राउंड में हम एक वुमेन को दर्द से चिल्लाते हुए सुन पाते हैं। तभी संगया के पास उसकी बहन पोन्नी आती है जो कि उस औरत को टॉर्चर कर रही थी। पोन्नी उसे एक पेपर देती है और उसे बताती है कि उसने उनका पता बता दिया है। पोन्नी संगया के वैन के पास जाती है केरोसिन ऑयल लेने के लिए। संगया अपने सारे औजार बोरी में रखता है और दूसरे कमरे में चला जाता है और पोन्नी उस औरत पे वो तेल छिड़कती है और उसे जिंदा जला देती है, जिससे उस औरत की वहीं पे मौत हो जाती है। फिर हमें यह दिखाया जाता है कि आखिर वो दोनों ऐसा क्यों कर रहे थे। उस गांव का एक बड़ा आदमी था जिसका नाम गिरी था और वो पॉलिटिक्स में काफी इन्वॉल्व रहता था। गिरी का एक दोस्त था पेरुमल, जिसका छोटा भाई उससे लड़ रहा था क्योंकि पेरुमल ने उसे उसके हिस्से की जमीन देने से इनकार कर दिया था। गिरी का भाई अनबू होता है जो कि काफी खतरनाक था। वो अपनी फैक्ट्री में जाता है अपने मैनेजर मारी से मिलने के लिए। मारी एक बूढ़े आदमी की मदद कर रहा था उसे बोरा उठवाने में और अनबू वहां पे आके उससे कंप्लेंट करता है कि यहाँ के टॉयलेट्स बहुत ही गंदे हो गए हैं, तो वो अभी जाए और उसे साफ कर दे। मारी उससे कहता है कि वो अभी किसी को भेज के उन्हें साफ करवा देगा, लेकिन अनबू उससे कहता है कि वही उसे साफ करेगा। ये सुन के मारी उसे घूरने लगता है, जिससे अनबू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दोस्तों अनबू उससे इसीलिए पंगे ले रहा था क्योंकि मारी ने डिसाइड किया था कि वो भी पॉलिटिक्स में जाएगा, लेकिन मारी एक गरीब घर का इंसान था इसीलिए अनबू नहीं चाहता था कि वो उनसे कम्पीट करे। इसी बात पे उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और गिरी और उसके आदमी आके वहां पे उनकी लड़ाई छुड़वाते हैं। अनबू मारी से कहता है कि उसकी बीवी एक पुलिस वाली है जो कि बहुत ही सुंदर है, और ये सुन के मारी उसे पीटने लगता है। इस हरकत की वजह से गिरी मारी को काम से निकलवा देता है और उससे कहता है कि वो दोबारा यहाँ पे ना आए। इधर हम संगया को देखते हैं जो कि काम के बाद अपनी भांजी से मिलने आया था। संगया और पोन्नी एक दूसरे से बात नहीं किया करते थे, इसीलिए संगया जब पोन्नी को आता हुआ देखता है तो वो वहां से चला जाता है। पोन्नी की बेटी उससे पूछती है कि वो संगया से बात क्यों नहीं करती, तो पोन्नी उससे कहती है कि वो फालतू के सवाल ना पूछे। पोन्नी अपनी बेटी को घर के पास लेके जाती है जहां उसकी पड़ोसन उसे बताती है कि उसका पति आज काम से जल्दी वापस आ गया। ये सुन के पोन्नी अपने घर में जाती है अपने पति से बात करने के लिए। वो उसके चेहरे पे घाव देख के उससे पूछती है कि आखिर उसने अब क्या ड्रामा किया है, तो वो उसे बताता है कि आज फैक्ट्री में उसकी लड़ाई हो गई है और इसी वजह से उसकी जॉब भी चली गई है। पोन्नी उसे समझाती है और उससे कहती है कि वो उन लोगों से माफी मांग ले, क्योंकि वो पैसे वाले लोग हैं और अगर वो उनके यहाँ काम नहीं करेगा तो उनकी बेटी कैसे पढ़ पाएगी। ये सुन के मारी राजी हो जाता है उनसे माफी मांगने के लिए। अगले दिन मारी फिर से फैक्ट्री में उनसे माफी मांगने जाता है, लेकिन वो लोग उसकी नहीं सुनते और उसकी बीवी के लिए गलत कमेंट पास करते हैं। वो उससे कहते हैं कि वो एक रात के लिए उसकी बीवी को उनके पास भेज दे तो वो उन्हें माफ कर देंगे। ये सुन के मारी को गुस्सा आता है और वो गिरी पे थूक देता है। गिरी और उसके साथियों को इससे बहुत बुरा लगता है और वो सोचते हैं कि अब उससे बदला लेना ही होगा। इधर स्कूल के बाद पोन्नी की बेटी अपने दोस्त सुदुलई को अपने साथ लाती है ताकि वो उसे अपने मामा से मिलवा सके। संगया उसे देख के खुश होता है और उससे पूछता है कि वो कौन से स्टैंडर्ड में है, तो सुदुलई उससे कहता है कि वो 9th में पढ़ता है। सुदुलई नेत्रहीन था और वो पोन्नी की बेटी का इकलौता दोस्त था। तभी सुदुलई का पिता वहां पे आता है और उसे अपने साथ ले जाता है और हम देखते हैं कि उसका पिता कोई और नहीं बल्कि गिरी का आदमी है। अब इन सभी लोगों ने मारी से बदला लेने का प्लान बना लिया था। वो एक पुलिस ऑफिसर की मदद से पोन्नी को अपने अड्डे पे बुलवाते हैं और जब पोन्नी वहां पे पहुंचती है तो वो ऑफिसर से पूछती है कि आखिर यहां पे क्या बात हुई है। ऑफिसर उससे कहता है कि उसका पति बड़े लोगों से लड़ता भिड़ रहा है और उसने उसे यहां पे इसीलिए बुलाया है ताकि वो उन लोगों से माफी मांग सके। पोन्नी को वहां पे सुदुलई दिखता है और वो उससे पूछती है कि क्या उसकी बेटी घर पहुंच गई थी, तो सुदुलई उससे कहता है कि वो संगया के साथ थी और उसके पिता उसे वहां से ले गए थे तो उसे नहीं पता कि वो घर पे होगी या बाहर। इधर पुलिस इंस्पेक्टर गिरी से कहता है कि पोन्नी यहां पे आ चुकी है और वो उसके साथ कुछ गलत ना करे क्योंकि वो एक पुलिस वाली है, लेकिन गिरी उससे कहता है कि उसकी अकड़ तोड़ने के लिए उन्हें उनके साथ गलत करना ही होगा, नहीं तो इस गांव में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। पोन्नी उनकी बातें सुन लेती है और समझ जाती है कि ये एक ट्रैप था। जब वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो अनबू वहां पे आके उसे बुरी तरह पीटता है, जिससे पोन्नी जमीन पे गिर जाती है और वो अधमरी हो जाती है। इधर संगया और पोन्नी की बेटी उसकी राह देख रहे होते हैं, लेकिन अभी तक उसके आने का कोई भी नामो निशान नहीं था। पोन्नी की बेटी संगया से कहती है कि क्यों ना वो उसे उसके घर तक छोड़ दे, तो संगया अपना टॉर्च ऑन करता है और उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। इधर अनबू पोन्नी को एक कमरे में लाके पटक देता है और उसके बाद उसे निवस्त करके वो उसका शोषण करता है। उसके बाद गिरी वहां पे जाता है और वो उसे बुरी तरह पीट के उसका शोषण करता है और फिर गिरी के बाकी साथी भी उसका शोषण करते हैं, जिससे पोन्नी को बहुत दर्द होता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकते। इधर संगया पोन्नी की बेटी को उसके घर छोड़ देता है और उससे कहता है कि वो जाके सो जाए और वो बाहर रुक के उसकी
माँ के आने का इंतजार करेगा। उसे अपनी बहन की चिंता हो रही होती है, इसीलिए वो घर के बाहर ही रुकता है और उसका इंतजार करता है। इधर गिरी, अनबू और उनके साथी केरोसिन ऑयल लेके पोन्नी के घर की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं ताकि वो उसके घर को आग लगा सके और मारी को मार सके। उनके जाने के बाद वहाँ मौजूद बच्चे पोन्नी के पास जाते हैं और उसका शरीर छूने लगते हैं। वो लोग सुदुलई को भी बुलाते हैं और उसे टच करने के लिए कहते हैं, लेकिन सुदुलई वहाँ से भाग निकलता है। उसके बाद वो पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ पे आता है और पोन्नी से कहता है कि वो उसे माफ कर दे। उसे नहीं पता था कि ये लोग उसका ये हश्र करेंगे। ये कह के वो गेट बंद करता है और वो भी पोन्नी का शोषण करता है। इधर गिरी और उसके साथी पोन्नी के घर के बाहर पहुंचते हैं, जहां वो संज्ञा को खड़ा देखते हैं तो वो शिवा से कहते हैं कि वो वहां पे जाके उसे ठिकाने लगा दे। शिवा उसके पास जाता है और उस पे हमला करके उसका सर फोड़ देता है और इसी दौरान वो सभी पोन्नी के घर के ऊपर मिट्टी का तेल गिरा देते हैं। अनबू देखता है कि अंदर मारी और उसकी बेटी सो रहे हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता और अंदर भी मिट्टी का तेल गिरा देता है। उसके बाद वो लोग घर में आग लगा देते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। जब संज्ञा को होश आता है तो वो पोन्नी के घर को जलता हुआ पाता है। ये देख वो अपनी भांजी को बचाने जाना चाहता है, लेकिन आग इतनी ज्यादा होती है कि वो अंदर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से उसकी भांजी और मारी की अंदर ही मौत हो जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पोन्नी और संज्ञा आपस में बात क्यों नहीं करते हैं। दोस्तों, पोन्नी और संज्ञा सौतेले भाई बहन थे। पोन्नी की माँ जब पोन्नी को लेके उनके पास आई उनसे उनका हक मांगने, तो संज्ञा की माँ ने उसे वहां से भगा दिया और उसे शाप दिया कि वो हमेशा दुखी रहेगी। इसीलिए पोन्नी की माँ उसे लेके दूसरे गांव में रहने लगी। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां संज्ञा पोन्नी से मिलने आता है, जो कि अपने पति और बेटी की मौत का शोक मना रही थी। संज्ञा उसे बताता है कि उन चारों लोगों ने पुलिस को सरेंडर कर दिया है और अब ये केस कोर्ट में जाएगा तो उन्हें केस लड़ना होगा। पोन्नी उसे वहां से भगा देती है और उससे कहती है कि ये सब उसकी माँ के शाप से हुआ है। उन चारों लोगों ने एक बड़ी लॉयर हायर करी होती है जिसका नाम रानी था, और पोन्नी के पास सरकारी वकील था जो उनका केस लड़ रहा था। उन लोगों ने अपने सरेंडर में रेप केस का जिक्र नहीं किया था, सिर्फ पोन्नी के घर जलाने का जिक्र किया था, और इसीलिए वो इस बात से डर रहे थे कि वो जज के सामने कहीं रेप केस का जिक्र ना कर दे। तभी उन चारों को कोर्ट में पेश किया जाता है और रानी इंस्पेक्टर से कहती है कि वो पोन्नी से जाके बात करे कि वो रेप केस के बारे में जिक्र ना करे। अनबू पोन्नी को देख के उसे गंदे इशारे करता है और उससे पूछता है कि क्या उस रात उसे मजा आया। पोन्नी को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो वहां पे कुछ नहीं कर सकती थी। तभी इंस्पेक्टर वहां पे आके पोन्नी से कहता है कि वो रेप केस का जिक्र ना करे, क्योंकि वो लोग उसे ढेर सारे पैसे देने के लिए तैयार हैं। पोन्नी उसी कोई बात का जवाब नहीं देती और इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। जब कोर्ट में वो केस लड़ा जाता है तो जज उन चारों को 15 दिन के रिमांड पे रखने के लिए कहता है। ये सुनके वो चारों हैरान हो जाते हैं और इंस्पेक्टर को डांटने लगते हैं। रानी उनके पास आके कहती है कि वो लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि उसने उनके भागने का इंतजाम कर दिया है। वहां के इंस्पेक्टर को कुछ पैसे देती है और पीछे के दरवाजे से उन्हें भगा देती है। डिस्ट्रैक्शन के तौर पे वो कोर्ट के बाहर दो आदमियों को लड़वा देते हैं। पोन्नी जब ये देखती है तो वो समझ जाती है कि ये एक चाल है, और तभी इंस्पेक्टर बाहर आके सबको बताता है कि वो चारों भाग चुके हैं। ये सुनके पोन्नी इंस्पेक्टर कॉलर पकड़ती है और उससे कहती है कि ये उसने अच्छा नहीं किया। वहीं पे संज्ञा होता है जो कि अपनी वैन में बैठा हुआ सब कुछ देख रहा होता है, और वो इंस्पेक्टर और रानी को देखता है जो कि हंस रहे होते हैं। उस देर बाद संज्ञा पोन्नी के घर उससे मिलने जाता है और उसे बताता है कि वो भी इतना ही दर्द में है जितनी वो है। उस बड़े आदमी ने उसके बेटे और बीवी को मार डाला था। एक दिन उसका बेटा काफी भूखा था और वो बड़े आदमी के बागीचे में जाके आम चुरा लिया था, लेकिन गिरी ने उसे पकड़ लिया और एक आम के लिए उसे जान से मार दिया। उसकी माँ ने उसे रोकने की कोशिश करी, लेकिन उसने उसे भी मार डाला, और पुलिस को पैसा देके उन दोनों की मौत का इल्जाम उन्होंने उस पे लगा दिया। उसके बेटे की मौत के बाद उसकी बेटी ही अब उसका सब कुछ थी और वो इसीलिए रोज उससे मिला करता था, लेकिन अब उन लोगों ने उसे भी छीन लिया है तो उन्हें बदला लेना चाहिए। पोन्नी उससे कहती है कि वो भी बदले की आग में तड़प रही है और वो चाहती है कि वो उन दरिंदों को जान से मार डाले। ये सुनके संज्ञा कहता है कि वो चिंता ना करे, उसने कुछ इंतजाम किए हैं। उसे अपने साथ एक पुराने स्कूल में ले जाता है जहां उसने रानी को बांध रखा था। उससे कहता है कि ये वकील जानती है कि वो सभी कहां छुपे हुए हैं। वो एक औरत को टॉर्चर नहीं कर सकता, इसीलिए अब वही टॉर्चर करे और इससे पूछे कि वो कहां पर हैं। रानी जब पोन्नी को देखती है तो वो उससे कहती है कि वो उसे जाने दे, लेकिन पोन्नी उसकी एक नहीं सुनती और उसके पेट में चाकू घुसा देती है। उससे पूछती है कि वो लोग कहां पर छुपे हुए हैं, तो रानी उन्हें सबका एड्रेस बता देती है। दोस्तों, ये वही सीन था जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। पोन्नी उन पतों को एक कागज पे लिख लेती है और रानी को जला के वहां से चली जाती है। सबसे पहले वो दोनों अनबू के पते पे जाते हैं जो कि एक स्कूल में छुपा हुआ था।
था। उसकी देखभाल के लिए उन लोगों ने एक बच्चे को काम पे रखा हुआ था। बच्चा उससे पूछता है कि क्या उसे और दारू चाहिए, तो वो उससे कहता है कि वो उसके लिए कुछ खाना लेके आए। वो उससे ये भी कहता है कि अगर उसकी कोई छोटी बहन है तो वो उसे अपने साथ लेके आए। ये सुन के उस बच्चे को काफी गुस्सा आता है और उसे पता चलता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है। जब बच्चा उसके लिए खाना लेने जाता है तो पोनी और संज्ञा दरवाजा आके पीटने लगते हैं। अनबू जब दरवाजा खोलता है तो उन्हें देख के वो वहां से भागने लगता है, लेकिन वो इतना ड्रंक होता है कि वो ढंग से भाग नहीं पाता और गिर जाता है। पोनी एक ईंट उठा के उसके सर पे मारती है जिससे वो जख्मी हो जाता है, और उसके बाद वो दोनों उसे कमरे में ले जाके बांध देते हैं। अनबू पोनी से पूछता है क्या उस रात उसे मजा आया था, तो पोनी एक कांच की बोतल उसके मुंह पे फोड़ देती है जिससे उसे काफी दर्द होता है। उसके बाद संज्ञा और पोनी अपने अपने चाकू से उसकी बॉडी में स्टैब करने लगते हैं, जिससे अनबू अधमरा हो जाता है और वो मरने वाला होता है। तभी वो बच्चा वहां पे आता है और ये टॉर्चर देख के काफी डर जाता है। संज्ञा उस बच्चे को समझाता है और उससे कहता है कि अंदर जो आदमी है वो बहुत ही बुरा इंसान है, उसने कुछ बुरे काम किए हैं जिसकी वजह से उसे सजा मिल रही है। ये सुनके वो बच्चा कहता है कि वो आदमी उसकी बहन से मिलना चाहता था, तो संज्ञा उसे समझाता है कि वो उसकी बहन से क्यों मिलना चाहता था। पोनी संज्ञा से कहती है कि वो इसे भी जला के मारना चाहती है, तो संज्ञा उससे कहता है कि एक स्कूल है और यहाँ आग लगता देख के लोग यहाँ पे आ जाएंगे, तो भला इसी में है कि वो इसे एसिड से जलाए जो उसकी कार में पड़ा है। उनकी बात सुनके वो बच्चा कार से वो एसिड लेकर आता है और संज्ञा उस एसिड को अनबू के शरीर पे गिराता है जिससे उसका शरीर जल जाता है। संज्ञा का एक दोस्त इस मिशन में उसका साथ दे रहा होता है और वो उसे कॉल करके बताता है कि जिस जगह पे उसने उसे भेजा है वहां पे उसने उसके कातिल को देखा है। इधर उस गिरी के आदमी का भाई अपने बड़े भाई को मारने के लिए ढूंढ रहा था क्योंकि वो उसके हिस्से की जमीन उसे नहीं देना चाहता था। वो आदमी अपने बेटे सुदलई को जंगल में छुपा देता है और उससे कहता है कि वो वहां से बाहर ना निकले, और जख्मी हालत में वो वहां से भाग के सड़क पे जाता है। तभी उसके आगे से एक ट्रक गुजरता है जिससे वो मदद मांगता है, लेकिन वो ट्रक उसकी मदद नहीं करता। तभी उसके भाई और उसके आदमी वहां पे आते हैं और उससे पूछते हैं कि उसका बेटा कहां पर है। वो उनसे झूठ कहता है कि उसने उस ट्रक में उसे भेज दिया है और वो उस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इस उनके उसका छोटा भाई और उसके आदमी उसे बुचर करके मार डालते हैं। कुछ देर बाद उसी रास्ते से पोनी और संज्ञा गुजर रहे होते हैं और वो वहां पे अपने विक्टिम को मरा हुआ देखते हैं, जिससे पोनी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो चाहती थी कि वो उसके हाथ मरे और किसी के हाथ नहीं। तभी संज्ञा वहां पे सुदरई को देखता है तो वो उसके पास जाता है। पोनी एक गन निकालती है और सुदरई को जान से मारने के लिए आगे बढ़ती है, तो संज्ञा उससे कहता है कि वो एक बच्चा है तो वो उसे ना मारे। पोनी उससे कहती है कि ये भी उस रात वहां पे आया था और इसने उसे टच किया था, तो सुदलई उससे कहता है कि उसने उसे टच नहीं किया था। संज्ञा के कहने पे वो उसे छोड़ देती है और वो लोग उसे अपने साथ रख लेते हैं। उसे में आके पोनी हवा में फायर करती है, जिसकी आवाज सुदलई का चाचा सुन लेता है और वो देखता है कि सुदलई अभी जिंदा है। ये देख के वो उसे ढूंढने लगते हैं और उस वैन का पीछा करते हैं। रात को वो लोग अपने तीसरे विक्टिम के लोकेशन पे पहुंचते हैं, जहां संज्ञा का दोस्त उन्हें मिलता है और वो उन्हें बताता है कि वो आदमी उस बोट में है। संज्ञा उन बोट में आग लगा देता है जिससे वो वहां से नीचे कूदता है, और संज्ञा उसे गोली मारता है और जख्मी हालत में वो उसे अपनी वैन में ले आता है। पोनी उस वैन में बैठ के उसे बुरी तरह पीटती है जिससे उसे बहुत दर्द होता है, और उसके बाद पोनी उसके प्राइवेट पार्ट पे एसिड डालती है जिससे वो जल जाता है। इधर सुदलई का चाचा उस वैन का पीछा करते हुए उसी गांव में पहुंचता है और वो अपने आदमियों से कहता है कि वो आसपास देखे कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। उसके आदमी दूरबीन से देखते हैं कि शिवा की बोट जल गई है और वहां पे पोनी की वैन भी खड़ी है। ये देख के वो सभी वहां पे निकलते हैं ताकि वो शिवा को बचा सकें। इधर संज्ञा सुदलई को लेने जाता है जो कि डर के मारे छुप गया था। तभी वहां पे एक आदमी आता है जो कि संज्ञा पे हमला कर देता है। ये देख के संज्ञा उसे शूट करता है जिससे वो नीचे गिर जाता है, और वहां मौजूद सभी आदमी उस गन को देख के डर जाते हैं और छुप जाते हैं। उसके बाद संज्ञा उसे बुरी तरह पीटता है और वो देखता है कि उसके गन में गोली खत्म हो चुकी है। वो उन आदमी को गोली से डराता है और सुदलई को लेके वहां से निकल जाता है। इधर संज्ञा का दोस्त पोनी से कहता है कि यहाँ जरूर कोई गड़बड़ है तो वो यहाँ से निकले, और पोनी अपनी वैन लेके संज्ञा और सुदलई के पास पहुंचती है। वो दोनों उस वैन में बैठते हैं और वो पोनी से कहते हैं कि वो यहाँ से भागे। पोनी संज्ञा से पूछती है कि ये किसके आदमी है, तो संज्ञा उसे बताता है कि ये गिरी के आदमी है। ये सुन के पोनी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी वैन की स्पीड बढ़ाती है और उन पर चढ़ाने लगती है। वो 8-10 आदमियों को अपने वैन से मार डालती है, लेकिन अभी कुछ आदमी जिंदा थे। तभी एक आदमी एक चाकू से उसकी गर्दन पे वार करने जाता है, तो पोनी और संज्ञा उसका हाथ पकड़ लेते हैं और पोनी अपनी गन निकाल के उसे शूट कर देती है। ये देख के बाकी आदमी छुप जाते हैं क्योंकि उन लोगों के पास गन थी। गिरी का आदमी ये देख के बहुत गुस्सा करता है क्योंकि एक एक करके वो सभी मरे जा रहे थे, और वो गिरी को फोन करके सारी बात बता देता है। अगली रात संज्ञा और पोनी उस अड्डे पे पहुंचते हैं जहां पे गिरी मौजूद था। गिरी आराम से थिएटर में एक फिल्म देख रहा था। तभी उससे मिलने वो इंस्पेक्टर आता है जो उसे एक गन देता है और उससे कहता है कि पोनी पागल हो गई है और वो एक एक करके
सबको मार रही है। गिरी उससे कहता है कि वो एक लड़की से कभी नहीं डरेगा और उसे इस पिस्तौल की जरूरत नहीं है। इधर संज्ञा और पोन्नी सुदलई को एक सेफ जगह छोड़ देते हैं और उसके बाद संज्ञा पोन्नी को गन देता है और उससे कहता है कि इसमें सिर्फ 3 राउंड ही बचे हुए हैं। फिर वो गिरी के अड्डे पे जाता है जहां वो 2 आदमियों को शूट करके मार डालता है, जिससे वहां पे सभी आदमी आते हैं और वो लोग उससे लड़ने लगते हैं। संज्ञा को वो लोग घायल कर देते हैं लेकिन संज्ञा तब भी नहीं रुकता। तभी पोन्नी एक गन और चाकू लेके पीछे के दरवाजे से अंदर घुस जाती है और वो इंस्पेक्टर को देख के उसे शूट कर देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। फिर वो गिरी के पास जाती है और उसे शूट कर देती है। गिरी उससे कहता है कि क्या उस रात उसे मजा आया था। तो पोन्नी अपनी मशीटे निकालती है और उससे गिरी का सर धड़ से अलग कर देती है, जिससे गिरी की भी वहीं पे मौत हो जाती है। इधर संज्ञा अकेले ही सारे आदमियों को मार गिराता है और वो भी अब बुरी तरह जख्मी हो गया था। जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि इंस्पेक्टर गन उठाने की कोशिश कर रहा है। ये देख के वो इंस्पेक्टर का हाथ काट डालता है, जिससे इंस्पेक्टर की वहीं पे मौत हो जाती है। तभी वहां पे गिरी के बाकी आदमी आते हैं और वहां पे लोगों की लाश देख के हैरान हो जाते हैं। पोन्नी जब अपने भाई की हालत देखती है तो वो उसे उठा के वैन के अंदर बैठाती है और उससे कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल निकलना होगा। संज्ञा उससे कहता है कि पहले वो सुदलई को लेकर आए, फिर वो लोग यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि अगर सुदलई यहाँ पे रुका तो उसके आदमी उसे मार डालेंगे। ये सुनके पोन्नी उसकी बात मान जाती है और वो सुदलई को लेने जाती है, लेकिन तभी गिरी के आदमी उसकी वैन देख लेते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। पोन्नी जब ये देखती है तो वो अपने भाई को बचाना चाहती है, लेकिन संज्ञा वैन में रखी गैस को ऑन कर देता है और वहां पे आग लगा देता है, जिससे वहां पे एक ब्लास्ट हो जाता है और गिरी के आदमी भी उससे जख्मी हो जाते हैं। उस वैन के ब्लास्ट होने से वहां पे कोई भी सबूत नहीं बचा था और संज्ञा ने अपनी कुर्बानी इसीलिए दी थी ताकि उसकी बहन सही सलामत रहे और पुलिस को उसके खिलाफ सबूत ना मिल पाए कि उसकी बहन ने उन सबको मारा है। पोन्नी ये देख के बहुत रोती है क्योंकि उसने अपने भाई को खो दिया था। वो रिग्रेट करती है कि उसने कभी भी उसे अपना भाई क्यों नहीं माना था, जबकि वो एक अच्छा इंसान था। वो भगवान से इस बात की माफी मांगती है और जोर से चिल्लाती है। उसके बाद वो सुदुलई के पास जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। सुदुलई उससे पूछता है कि संज्ञा कहाँ पर है, तो वो उससे झूठ कहती है कि वो चिंता ना करे, वो ठीक है। फिर हमें फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि क्या सुदुलई ने सच में उसे टच किया था या नहीं। दोस्तों, सुदुलई जब पोन्नी के रूम में आया था तो उसकी हालत समझ के उसे रोना आ गया, इसीलिए वो वहां से भागा और उसने इंस्पेक्टर को कहा कि सभी बच्चे पोन्नी के साथ गलत कर रहे हैं। ये सुनके इंस्पेक्टर वहां पे गया और उन बच्चों को वहां से भगा दिया और सुदुलई ये रोते हुए कहने लगा कि पोन्नी के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है। यानी दोस्तों, उसने पोन्नी को टच नहीं किया था और वो एक अच्छा इंसान था। दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी तमिल फिल्म सानी काय धाम की कहानी। दोस्तों, ये मूवी अमेजोन प्राइम पे मौजूद है तो आप इसे एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि इसे देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इतना आगे बढ़ रही है और वो अपने एक्सपेरिमेंट कर रही है, और वहीं पे बॉलीवुड है जो कि रीमेक पे रीमेक निकाले जा रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अमेजोन प्राइम पे सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें, क्योंकि वहां पे आपको ऐसी ही ढेर सारी साउथ इंडियन मूवीज मिलेंगी जो कि माइंड ब्लोइंग हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।